चलो प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 4 है. कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4. वेरीफाई दैट, क्या करने का है? वेरीफाई दैट पॉइंट पी क्यू एंड आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तुम्हारे को क्या प्रूफ करने का है? ट्राइंगल प्रूफ नहीं करने का है. पी क्यू आर वर्टाइसेस, वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. क्या प्रूफ करना है? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी तुम्हारे को 90 डिग्री लेकर आने का है. पी ये क्यू ये आर वर्टाइसेस है. पी का कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस टू कॉमा टू. क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? टू कॉमा टू. और आर का कोऑर्डिनेट क्या है? टू कॉमा सेवन. मेरे को क्या प्रूफ करने का है कि ये कौन होना चाहिए? वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. मैंने तुम लोग को कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक बताया लो, तो तुम लोग वो वीडियो देख लेना. तो उसके अंदर क्या बताने का? राइट एंगल ट्राइंगल बताने का रहेगा. इन तीनों में से जो भी बड़ी साइड रहेगी उसको स्क्वायर करने का, और जो भी दो साइड बच गई छोटी वाली, उन लोग दोनों को क्या करेंगे? स्क्वायर करके प्लस करेंगे. अगर इक्वल आया तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल. और रीजन क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो किसी भी हाल में तुम्हारे को तीनों की साइड मालूम रहना चाहिए, या तो कोऑर्डिनेट मालूम है, साइड नहीं मालूम है ना. जैसे पी क्यू की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू, क्या मालूम है क्या? नहीं. तो हम लोग साइड फाइंड करेंगे. साइड फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो पहले अपन ये लिखेंगे, बताएंगे कोऑर्डिनेट कौन कौन है. पी का कोऑर्डिनेट है माइनस टू कॉमा टू. क्यू का कोऑर्डिनेट है टू कॉमा टू. एंड आर का कोऑर्डिनेट है टू कॉमा सेवन. समझो ये कौन है? आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मत लिखना. राइट एंगल तो तुम्हारे को प्रूफ करने का है. राइट एंगल तो ट्राइंगल तो तुम्हारे को प्रूफ करने का है. हमने ये अज्यूम करे कि ये पी क्यू आर क्या कौन है? वर्टाइसिस है. तीन अल्फाबेट है ना, और डिस्टेंस फॉर्मुला यूज करने का है. तो एक्स वन वाई वन अज्यूम नहीं करेंगे, माइंड में करेंगे. डिस्टेंस फाइन करेंगे ना, तो क्या करेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. एक ही बार लिखने का. पहले पी क्यू फाइन करो, फिर क्यू आर फाइन करो, फिर पी आर फाइन करो. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, लंबी रूट. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. पी क्यू ना, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू. एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर, अंडर रूट. अंडर रूट डालना, ध्यान दो. एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर. ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू. तो बड़ी ब्रैकेट आएगी, टू फॉर्मूले का माइनस, और ये क्या है? माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस वाई टू. कितना है? टू फॉर्मूले का माइनस, और ये टू द होल स्क्वायर. जहाँ तक है नंबर वहाँ तक है रूट. देयरफॉर डालते जाना, फिलहाल जगह नहीं है इसके लिए मैं लिख रहा नहीं हूँ. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, बड़ी ब्रैकेट बन जाएगी छोटी ब्रैकेट, क्योंकि अंदर की ब्रैकेट सॉल्व हो रही. टू माइनस इंटू माइनस प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज है ना, बड़ी ब्रैकेट हट गई. द होल स्क्वायर प्लस टू माइनस टू जीरो, जीरो हैज नो साइन. द होल स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू टू प्लस टू फोर, द होल स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, ये ब्रैकेट है. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस जीरो हटा दो, जीरो हट गया है ना, प्लस जीरो हट गया. डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन कितना है? फोर. डिस्टेंस पी क्यू मैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर डेट इज लिख रहा हूँ. राइट एंगल ट्राइंगल डिसाइड करने का ना, मैं क्या लिख रहा हूँ? डेट इज, मैं डिस्टेंस पी क्यू को पी क्यू भी बोल सकते हैं. पी क्यू इज इक्वल टू फोर यूनिट्स है ना. पी क्यू की वैल्यू कितनी मिली? फोर यूनिट्स. उसी तरीके से अभी क्यू आर फाइंड करेंगे सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखना, क्या लिख फाइंड करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर. इसको देंगे इक्वेशन नंबर वन, जो मैं देने भूल गया. ओके, क्यू आर, क्यू आर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. फॉर्मूले में क्या आएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस टू है ना, टू माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस का प्लस. सेवन माइनस टू वाई टू माइनस वाई वन ना, सेवन माइनस टू द होल स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज इक्वल टू टू माइनस टू जीरो द होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस टू फाइव, बराबर सेवन माइनस टू फाइव द होल स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ जीरो इज जीरो, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव. डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज इक्वल टू
जीरो प्लस 25, 25, जीरो हट गया. डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर स्क्वायर रूट ऑफ 25 का क्या आएगा? 5. ये राइट एंगल ट्राइंगल डिसाइड करने का ना, मैं डिस्टेंस हटा सकता हूँ. डेट इज आई डॉट ई को बोलते हैं डेट इज क्यू आर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. तुम ये PQ is equal to 4 यूनिट, QR is equal to 4, 5 यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डिस्टेंस से भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन बाद में तुम्हारे को बताना पड़ेगा, इसके लिए अभी बताते. QR हो गया, अब क्या करेंगे? PR. मैं क्या बोल रहा हूँ? PR यानी X1 Y1 और ये रहेगा X2 Y2 है ना. मैं P और R का कोऑर्डिनेट इधर लिख रहा हूँ ऊपर. फिलहाल तुमने ऊपर नहीं लिखना, बराबर फिगर में देखना, इधर उधर मैं पेज नहीं कर सकता. P का कोऑर्डिनेट है -2, 2 और R का कोऑर्डिनेट है 2, 7. मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर है ना, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, ये X1 Y1 और ये X2 Y2. पहले मैं P बोल रहा हूँ, ध्यान दो, X1 Y1 X2 Y2, तो ये 2 फॉर्मूले का माइनस और ये -2 है ना, तो यह आएगी बड़ी ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 7 -2 द होल स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज इक्वल टू, बड़ी ब्रैकेट बन जाएगी छोटी ब्रैकेट, -(-) प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 5 द होल स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज इक्वल टू 2 + 2 4 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 है ना. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज इक्वल टू 16 प्लस 25 का आंसर क्या है? 41. 41 प्राइम नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर नहीं निकलता है, ये जो है ना इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर. 41 कोई भी टेबल में नहीं आता है, 41. और इसको मैं क्या ऐसे रख रहा हूँ, डेट इज करके, डेट इज पी आर इज इक्वल टू 41 यूनिट्स, ए रूट 41. रूट 41 है ना, क्योंकि इसका आंसर नहीं आया. ये इक्वेशन नंबर थ्री. मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ. फिलहाल तुम लोग करना नहीं. पी क्यू की वैल्यू मालूम है 4 यूनिट, क्यू आर की वैल्यू 5 यूनिट, ये 1 है, ये 2 है, और पी आर की यूनिट क्या है? 3 यूनिट. मैं तीनों एक साथ लिख के बता रहा हूँ, एक मिनट मैं जब भर देता हूँ. क्यू आर कितना मिला? क्यू आर मिला 5 यूनिट. क्यू आर मिला 5 यूनिट. पी आर कितना मिला? 41. क्या बात है, रूट 41. रूट 41 यूनिट. ओके, मैं लोगों को लिख के बता रहा हूं. पी क्यू कितना मिला? 4 यूनिट्स, ये 1 है ना. क्यू आर कितना मिला? 5 यूनिट्स, ये 2. पी आर मिला रूट 41 यूनिट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3. तुम्हारे को क्या करने का है? राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं डिसाइड करने का है. तो क्या करने का, राइट एंगल ट्राइंगल डिसाइड करने के लिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उन लोग में तीनों में से जो बड़ी साइड रहती उसको स्क्वायर करेंगे, बड़ी साइड रहती उसको स्क्वायर करेंगे और बची दो छोटी साइड से कंपेयर करेंगे. समझ है? इन लोग तीनों में सबसे बड़ा कौन लग रहा है? ये 4 है, 5 है और ये रूट 41 है. रूट 41 देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16. 5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? 25 है ना. रूट पी आर का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? रूट 41 का स्क्वायर 41. तो ये बड़ा है ना, समझ गया? मुंडी मत चलाओ, समझे क्या? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, रूट 41 का स्क्वायर 41. तो ये बड़ा है, समझ रहे ना. तो इन लोग तीनों में जो दो छोटे उन लोग को क्या करूंगा? प्लस. दो छोटे उसको क्या करूंगा? प्लस. और बड़े वाले से कंपेयर करूंगा, तो पहले बड़े वाले को स्क्वायर करेंगे. पहले किसको करेंगे? बड़े वाले को स्क्वायर. PR square इज इक्वल टू रूट 41 स्क्वायर. अच्छा, रूट के ऊपर कभी भी स्क्वायर आएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट एलिमिनेट हो जाता है, मालूम है ना. 41 PR square का आंसर कितना है? 41. ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4. क्या हो जाएगा? 4 लिख रहा हूं. ये इक्वेशन हो जाएगा 4, दिख रहा है ना. अब बचे दो छोटे, PQ और QR. इन लोग दोनों को प्लस भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे, तो PQ स्क्वायर प्लस राइट एंगल ट्राइंगल डिसाइड करने का है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर करने का साइड को. PQ स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 5 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर 16 प्लस 25 41, कितना आंसर है 41, ये इक्वेशन नंबर 5, 4 और 5 को कंपेयर करो सेम आ रहे है ना, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आ गया ना, वन साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर ऑफ अदर टू साइड, जो बड़ी साइड है इस बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्मॉलर टू साइड का स्क्वायर, इक्वल आ रहे ना, तो फिर ये ट्राइंगल जो है पी क्यू आर क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल, रीजन क्या लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल का नाम दिए ले पी क्यू आर, अगर पूछेंगे 90 डिग्री कौन है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी आई 41 ना, 41 के सामने कौन है क्यू, तो एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, फिलहाल राइट एंगल ट्राइंगल डिसाइड करने का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, आया ना, जो बड़ी साइड थी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, रीजन क्या लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम लोग ले लो, ओके मैं ये यूट्यूब पे बना रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ तो तुम लोग ले लो, ये ले लिए खेल रहे थे बंद कर दो फोन, सर।